मात मोहि दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ा मणि उतार तब दयहुं, हरस समेत पवन सुत लयहुं। कहूं तात अस मोर प्रनामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल विरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तात सकृसुत कथा सुनायहुं, बाण प्रताप प्रभु समुझायहुं। मास दिवस बहु नाथ नावत, पुनि मोहि जीवत नहीं पावा। कहु कपि के विधि राख्यो प्राणा, तुम ही तात कहत अब जाना। ते ही देख शीतल भई छाती, पुनि सो पुनि मो कहु सोई दिन सो राती। जनक सुता समुझाहि करी, बहु विध धरी धीर जुदीन। चरण कमल सिरुनाए, कपि गवन राम पहिकीन। सियापति रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगल हारे कबहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारे कबहु सुदशरथ अजर बिहारी। अर्थात हे माता, जैसे श्री राम ने मुझे अंगूठी दी थी, वैसे ही आप भी मुझे कुछ चिन्ह दीजिए। तब सीता जी ने अपने सिर से उतार कर चूड़ा मड़ी दे दी, जिन्हें हनुमान जी ने बड़े हर्ष से ले लिया। सीता जी ने कहा, हे तात, प्रभु से मेरा प्रणाम कहना कि यद्यपि आप पूर्ण काम हैं, फिर भी हे नाथ आप दीन दयालु हैं, इसलिए अपने विरध को याद कर मेरे इस महासंकट को दूर कीजिए। हे तात, फिर इंद्र के पुत्र जयंत की कथा सुनाकर प्रभु के बाणों का प्रताप समझाकर स्मरण दिलाया और कहा, यदि नाथ एक महीने में ना आएंगे तो मुझे जीवित ना पाएंगे। हे कपि, कहो मैं अपने प्राण को कैसे रखूं, अब तुम भी जानो को कहते हो। अब तुम भी जाने को कहते हो, तुमको देख हृदय शीतल हुआ था, परंतु अब फिर मेरे लिए फिर वही दिन और रात हो गई। हनुमान जी ने सीता जी को अनेक प्रकार से समझाकर धैर्य दिया और फिर उनके चरण कमलों में शीश नवाकर श्री रामचंद्र के पास चल दिए।